ज्ञान दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश, आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार ने कोसी क्षेत्र में संभावित बाढ़ को देखते हुए 5 जिलों में बनाई अस्थायी राहत शिविर। 8 जिलों में पशुओं के लिए बनाया गया सहायता शिविर। राज्य के सभी 534 प्रखंडों में अब 2400 घंटे खुले रहेंगे 1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। फिलहाल 164 APHC हफ्ते में 7 दिन 2400 घंटे चल रहे हैं। सूबे में 2941 स्थानों पर परंपरागत जल स्रोतों के पुनरुद्धार का काम जल्द होगा शुरू। साथ ही 7917 स्थानों पर छोटी छोटी सिंचाई नहरें नालियां बनाई जाएंगी। राज्य में 100 से 1000 करोड़ तक के निवेश प्रोजेक्ट्स की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, इससे बड़े निवेशकों को परेशानी से मिलेगी निजात। दिल्ली हाट की तरह पटना में भी बनेगा पटना हाट, इसका निर्माण उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में होगा। राज्य के प्रारंभिक स्कूल की छात्राएं अब कराटे के अलावा 5 अन्य मार्शल आर्ट सीखेंगी। 10-15 दिनों में सभी चुनिंदा स्कूलों में ट्रेनिंग हो जाएगी शुरू। सड़क पर गड्ढा दिखा तो उसकी देख रेख के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार की पथ निर्माण विभाग करेगी कार्रवाई। इसकी निगरानी के लिए पथ निर्माण विभाग ने दोहरी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की शुरू। जल्द ही वसुधा केंद्रों पर हर तरह की सरकारी सेवाएं होंगी उपलब्ध। फिलहाल सूबे में 8000 वसुधा केंद्र चल रहे हैं। पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों की मदद से अब सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों में होगा संशोधन, इसके लिए जिला प्रशासन प्रखंड स्तर पर कराएगी कार्यशाला। राज्य सरकार सूबे के पंचायत रोजगार सेवकों के मानदेय में करेगी बढ़ोतरी, साथ ही पंचायत रोजगार सेवकों के खाली पड़े पदों पर जल्द ही बहाली प्रक्रिया होगी शुरू। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। राज्य सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री विनय बिहारी द्वारा किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉ. राम बचन राय इस अवसर पर मुख्य वक्ता थे। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित नाटक कफन की प्रस्तुति हुई, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। कला संस्कृति मंत्री ने कहा कि प्रेमचंद की कहानियों के पीछे एक गहरा संदेश छिपा रहता है, जिसे समझने की जरूरत है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी है
मुंशी प्रेमचंद जी की खुद की जो अपनी कहानी है और मुंशी प्रेमचंद जी की कलम से जो निकली हुई कहानी है उसको समझना बहुत आसान है और बहुत ही कठिन है। एक समंदर की तरह है, जितने गोते मारेंगे उतनी मोतियां मिलेंगे। मैंने हासिल किया है, बहुत अच्छी पंक्ति है वो, जिसमें जब जुम्मन मियां खाला जान की खुराकी बंद कर देते हैं, खुराकी उसमें लिखा हुआ है। मैं इसलिए बोला कि मैं मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियां पढ़ा हूं, भोजपुरी, अवधी, उर्दू, हिंदी, खड़ी बोली, सब चीज उसमें है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का बिहार से गहरा संबंध रहा है और 1931 में हिंदी साहित्य परिषद के न्योता पर वो पटना कॉलेज पधारे थे। स्कूल जाने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन और बढ़ावा। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 8 में पढ़ रही सभी बालिकाओं को निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म, एक जोड़ी जूता, बैग और शैक्षणिक सामग्री की व्यवस्था। इस सुविधा के लिए प्रति बालिका को 700 रुपए की राशि विमुक्त। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। बालिकाओं की भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार कृत संकल्प। लिंग अनुपात को बढ़ावा और कन्या के जन्म को प्रोत्साहन। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को कन्या के जन्म स्वरूप अनुदान राशि। ऐसे परिवारों को कन्या के जन्म के समय 2000 रुपए प्रति कन्या की दर से यूटीआई के चाइल्ड कैरियर बैलेंस फंड में निवेश। यूटीआई के चाइल्ड कैरियर बैलेंस फंड में निवेश कर प्रमाण पत्र लाभुक माता पिता को। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। बिहार के विभिन्न जिलों में निरंतर कैसे प्रगति हो रही है, इसी पर आधारित है हमारा अगला सेगमेंट ग्रामीण बिहार। बिहार की लुप्त होती कलाओं को बचाने के लिए राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा 1 से 6 अगस्त 2014 तक हस्तशिल्प प्रदर्शनी और क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान केंद्र पटना की भी विशेष भूमिका थी। हस्तशिल्प प्रदर्शनी में जूट के ज्वेलरी, लकड़ी से बने बुद्ध की मूर्ति, कतरा के झाड़ से बनी चीजें, मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग के अलावा टिकुली कला यहां आने वाले लोगों के बीच विशेष आकर्षण के केंद्र बने। यहां राज्य के विभिन्न जिलों से अनेक कलाकार आए थे और अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे। काष्ठ कला की बेहतरीन वानगी प्रदर्शनी में आए लोगों को देखने को मिल रहा था। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकार प्रदर्शनी में महंगी ही नहीं बल्कि सस्ती कलाकृतियां भी लेकर पहुंचे थे। प्रदर्शनी में लगे कलाकृतियों की कीमत 5 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक थी। यहाँ प्रदेश की महिलाओं के साथ पुरुषों द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट को भी प्रमोट किया जा रहा है। जल्द ही राज्य सरकार इस तरह के व्यवसाय को प्रमोट करने के लिए कुछ आउटलेट खोलेगी जो लोगों को नया विकल्प देगा। हस्तशिल्प प्रदर्शनी में कला के नमूनों को यहाँ आए कलाकार बनाकर भी दिखा रहे थे। इस आयोजन के पीछे हमारी सोच है कि राज्य के शिल्पियों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेता उपलब्ध हो सके। इसके लिए हम लोगों ने 150 से अधिक सरकारी विभागों को, उनके पदाधिकारियों को यहाँ आमंत्रित किया है ताकि उनके माध्यम से सरकारी खरीद, गिफ्ट के तौर पर जो होती है खरीद, उस तरह की खरीद हो सके। इसके अतिरिक्त भी यह प्रोग्राम 1 से 6 अगस्त तक चलेगा। इसके अलावा भी हम लोग पटना में उद्योग भवन के नीचे एक स्टॉल
शिल्पियों के लिए जल्द ही खुलने जा रहे हैं। उत्तर भारतीय संस्थान परिसर में भी एक स्टॉल हम लोग का खुलने जा रहा है। इस तरह की कई योजनाएं शिल्पियों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के आयोजनों से प्रदेश के कलाकारों का मनोबल काफी बढ़ता है और साथ ही अपने कला के प्रदर्शनी और विक्रय के लिए बड़ा बाजार मिलता है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। गया जिला के बेलागंज में स्थित है अति प्राचीन बराबर गुफा। इतिहासकारों का मानना है कि ये मौर्य काल में ईसा पूर्व 322 से 185 के बीच बनाया गया होगा। इन गुफाओं का निर्माण बराबर और नागार्जुनी पहाड़ श्रृंखला में किया गया है, जो आसपास हैं। आजीविका साधकों द्वारा इन गुफाओं का इस्तेमाल साधना के लिए किया जाता था। इन गुफाओं में बहुत सारी कलाकृतियां दिखाई देती हैं। ये ग्रेनाइट पत्थरों को काट कर बनाया गया है और आज भी इसकी चमक देखने लायक है। बराबर के ये गुफा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विख्यात हैं और प्रसिद्ध लेखक ईएम फोस्टर द्वारा पैसेज टू इंडिया किताब में इसका जिक्र मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।